Welcome to Social. World Cup 2011 हर इंडियन फैन के लिए यादगार रहेगा, जहां पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के मैचेस को लेके एक रोमांच बना रहा। पर उन्हीं मैचेस के पीछे कुछ ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां भी थी जिसकी वजह से इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। इस वीडियो में हम आपको 2011 वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ ऐसी ही मोमेंट्स के बारे में बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इंडियन टीम की पूरे वर्ल्ड कप की जर्नी को रिलिव करें। नंबर वन, वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जहां सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए थे और पूरे इंडिया में एकदम से सन्नाटा छा गया था, क्योंकि सचिन और सहवाग पूरी टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में थे और सबको उम्मीद यही थी कि दोनों दोबारा इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। फिर जब विराट कोहली बैटिंग करने गए तो उन्होंने गौतम गंभीर के साथ इनिंग्स को संभाला और उस वक्त सचिन और सहवाग दोनों एक साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। सचिन ने देखा कि इंडिया अच्छा खेल रहा है तो वो उस जगह को लेकर सुपरस्टिशियस हो गए और सहवाग को कहा कि अब जब तक मैच खत्म नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सचिन की बात को टालना वीरू के लिए बहुत मुश्किल था, तो 2 घंटे तक वो ड्रेसिंग रूम में उसी जगह सचिन के साथ बैठे रहे। फिर जब धोनी ने मैच को संभाल लिया और इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली थी तो सहवाग ने सचिन से पूछा कि पाजी अब तो उठने दो, अब हम जीतने वाले हैं, मुझे विनिंग शॉट तो देखने दो। सचिन ने वीरू को बिल्कुल भी नहीं उठने दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मैच तो बाद में टीवी पे भी देख लेना, पर यहाँ से तो बिल्कुल नहीं उठेगा। सहवाग ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरा मैच में सचिन पाजी के साथ ड्रेसिंग रूम में ही बैठा रहा और एंड में जब हम जीत गए तो जहां सभी लोग ग्राउंड पे जा रहे थे वहीं मैं सीधा बाथरूम गया, क्योंकि मुझे 2.5 घंटे तक सचिन ने उठने ही नहीं दिया। नंबर टू, 2007 के वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम ग्रुप स्टेजेस में बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई थी, वो सचिन के करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। सचिन ने बताया कि उस वक्त मेरा क्रिकेट खेलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था और ग्रेग चैपल की वजह से इंडियन टीम का एटमॉस्फेयर भी बहुत खराब हो चुका था। सचिन ने रिटायरमेंट लेने तक का सोच लिया था और उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत में वर्ल्ड कप जीतना लिखा ही नहीं है। सचिन के भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें समझाया कि 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है और इससे अच्छा मौका वर्ल्ड कप जीतने का कोई नहीं होने वाला, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई में होगा और तुम इमेजिन करो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में हो। अजीत के समझाने के बाद सचिन ने रिटायर होने का डिसीजन वापस ले लिया और अपनी बैटिंग और फिटनेस पे पहले से भी ज्यादा वर्क करने लगे। 2007 से 2011 के दौरान सचिन ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए और वो डबल सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेट के पहले बैट्समैन भी बने। सचिन वर्ल्ड कप के दौरान भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे, जहां उन्होंने 2 सेंचुरीज भी लगाई और इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। सचिन ने जब वर्ल्ड कप हाथ में उठाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने 22 साल इंतजार किया था। नंबर थ्री, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब टीम का अगले दिन फोटोशूट हुआ तो सबने देखा कि एमएस धोनी ने अपना हेड शेव किया हुआ था। न्यूज में जब ये फोटोज दिखाई गई तो कहा जा रहा था कि धोनी ने वर्ल्ड कप के लिए मन्नत मांगी थी और इसलिए उन्होंने अपना हेड शेव करा दिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने मुंडन कराया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। धोनी ने ये एक मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद मुंबई के होटल में धोनी ने मुंडन कराया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने मुंडन कराया, पर रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं था। धोनी ने एक इंटरव्यू में इसका असली रीजन रिवील किया, जहां उन्होंने बताया कि जब हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि फर्स्ट टाइम मेरी कैप्टेंसी में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा और विनिंग शॉट भी मैं खेलूंगा। इसलिए मेरा सर बहुत भारी होने लगा और जब मैं होटल वापस गया तो मैंने ट्रिमर से अपने सारे बाल शेव कर दिए। नंबर फोर, इंडिया के वर्ल्ड कप का पहला मैच बांग्लादेश के साथ था और ये मैच इंडिया के लिए जीतना ज़रूरी तो था, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप की तरह दोबारा बांग्लादेश से हारना इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। वीरेंद्र सहवाग ने मैच से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि बांग्लादेश से मैं 2007 की हार का बदला लूंगा, और वैसा ही कुछ मैच में देखने को मिला। सहवाग ने 170 रन की इनिंग्स खेली, जहां ग्राउंड के चारों तरफ बांग्लादेशी बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाई और 50 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 370 रहा। ये मैच इंडिया ने आसानी से जीत लिया और सहवाग का मानना है कि इसी मैच से इंडियन टीम का हर मैच में हाई स्कोर करने का बेस सेट हो गया। नंबर फाइव, 2011 के वर्ल्ड कप में जहीर खान ने अपनी नकल बॉल को इंट्रोड्यूस किया।
जहीर ने कई मंथ्स पहले इस बॉल को मास्टर कर लिया था, पर उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले किसी भी सीरीज में नकल बॉल नहीं डाली, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए वो एक सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहते थे। जहीर ने कहा कि अगर ये बॉल मैं वर्ल्ड कप से पहले किसी मैच में डाल देता तो सभी ऑपोजिशन को इसके बारे में पता चल जाता और मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती। जहीर ने नकल बॉल के थ्रू कई मैचेस में क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स लिए, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट जब एंड्रू स्ट्रॉस मैच को जिताने वाले फॉर्म में नजर आ रहे थे तो जहीर ने ही उन्हें नकल बॉल पे आउट किया, और ऐसे ही क्वार्टर फाइनल में भी जहीर ने माइकल हसी को नकल बॉल पे चलता किया। जहीर वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और हर मैच के क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने इंडिया को विकेट निकाल के दी। जहीर अनडाउटेडली स्विंग बॉलिंग के मास्टर तो थे ही, पर उनकी नकल बॉल को वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस करने की स्ट्रैटेजी साफ दिखाती है कि वो एज अ सीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी अच्छी तरह से समझते थे, और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमेशा याद रखा जाना चाहिए। नंबर 6, अब बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच की, तो वो मैच हर क्रिकेट फैन को आज भी अच्छी तरह से याद होगा। जहां रेस्ट डेज के दौरान मैच का बिल्डअप इतना ज्यादा था कि हर तरफ एक टेंस माहौल था, क्योंकि दोनों ही टीम्स उस वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट दे रही थी और इस मैच को एक कांटे की टक्कर माना जा रहा था। बिहाइंड द सीन स्टोरीज की बात करें तो मैच के प्रैक्टिस सेशंस के दौरान ही टीम्स ने एक दूसरे पे मेंटल प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। हुआ यूं कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान शोएब अख्तर हरभजन सिंह के पास आए और कहने लगे कि यार, मेरी फैमिली और कुछ खास दोस्त फाइनल मैच देखने आ रहे हैं, तो थोड़ी टिकट्स अरेंज करवा दियो। हरभजन ने पहले सोचा कि शोएब ऑलरेडी फाइनल की टिकट्स क्यों मांग रहे हैं जब अभी सेमीफाइनल मैच भी नहीं हुआ। फिर भज्जी को समझ आया कि शोएब उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है कि वो इंडिया को सेमीफाइनल में हराएंगे। हरभजन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब शोएब ने मुझसे फाइनल की टिकट्स मांगी तो मैंने उनसे सीधा कहा, फाइनल कौन सा फाइनल, पहले सेमीफाइनल तो जीत लो यार, अभी से सपने मत देख तू। शोएब की माइंड गेम्स बिल्कुल नहीं चल पाई और उल्टा मैच के दिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम सचिन के कैचेस छोड़ रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो खुद कितने प्रेशर में थे। और उससे भी ज्यादा गलत तो शोएब के साथ खुद हुआ, जिन्हें मैच में ही नहीं खिलाया गया। शोएब आज भी कई बार उस सेमीफाइनल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं मैच खेलता तो अपनी पूरी जान लगाकर बॉलिंग करता और मैच का रिजल्ट फिर कुछ और ही होता। नंबर 7, युवराज के बिना 2011 के वर्ल्ड कप की कहानी पूरी ही नहीं हो सकती। यूवी वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज रहे, उन्होंने अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर तरह से टीम में कंट्रीब्यूट किया और किसी को नहीं बताया कि वो अंदर से अपनी हेल्थ को लेके कितने परेशान थे। युवराज को कैंसर के सिम्टम्स वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही दिखाई दे रहे थे और जब इंग्लैंड के साथ मैच था तो वो मैच खेलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। यूवी मैच से पहले उल्टियां कर रहे थे और जहीर को बोला कि ये मैच मैं नहीं खेल पाऊंगा, पर जहीर को शायद उनकी प्रॉब्लम का इतनी अच्छी तरह से आइडिया नहीं था, तो जहीर ने युवराज को कह दिया कि तू चिंता ना कर, एक बार तू बैटिंग करेगा तो अपने आप ठीक फील करने लगेगा। युवराज ने जहीर की एडवाइस सुनी और मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, जिसके बाद युवराज में कॉन्फिडेंस आ गया कि वो ऐसी हालत में भी मैच खेल सकते हैं। फिर बारी आई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल मैच की, जहां युवराज ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो सभी क्रिकेट फैंस को हमेशा याद रहेगी। यूवी जब बैटिंग करने आए तो टीम को 120 रन चाहिए थे और गौतम गंभीर क्रीज पे सेट नजर आ रहे थे, पर जैसे ही वो रन आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने की होप्स और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 विकेट्स चाहिए थे और उसके बाद सिर्फ बॉलर्स ही रह जाते। ऐसे ही धोनी बैटिंग करने आए तो थोड़ी ही देर में वो भी आउट हो गए। धोनी ने युवराज को जाते जाते कहा, शाबाश यूवी, तो ऐसे ही बैटिंग करना और मैच को जिता के लाना। धोनी की इस बात को सुनकर युवराज को रियलाइज हुआ कि ये मैच उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मैच बन सकता है, क्योंकि अगर वो हार गए तो सचिन का वर्ल्ड कप जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा और इंडियन क्राउड के सामने वर्ल्ड कप खेलने का मौका यूवी को खुद दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए युवराज ने अपनी इनिंग्स को बहुत ध्यान से प्लान किया और सुरेश रैना के साथ 64 रन्स की पार्टनरशिप लगाई और 2.5 ओवर पहले ही मैच जीत लिया। विनिंग शॉट खेलने के बाद युवराज ने चीख कर सेलिब्रेट किया और साफ नजर आ रहा था कि युवराज के लिए जीत कितनी जरूरी थी। युवराज ने इस मैच के बाद कहा कि मुझे याद था कि कैसे हम 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारे थे और मैं इस बार इंडिया में उनके सामने हार नहीं मानने वाला था, इसलिए मेरे लिए मैच बहुत ही जरूरी था और ऑस्ट्रेलिया को हरा के हमारा सबसे बड़ा हर्डल ऑलरेडी क्रॉस हो गया था। नंबर 8, वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया, जहां उन्होंने इन फॉर्म युवराज की जगह खुद को प्रमोट किया और बैटिंग करने पहुंच गए। धोनी उस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे और उनका ये डिसीजन उनकी कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी की साफ झलक दिखाता है।
धोनी ने नोटिस किया अभी मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे हैं और वो उनके चेन्नई सुपर किंग्स के टीममेट रह चुके हैं, इसलिए धोनी उनकी बॉलिंग वेरिएशंस को अच्छी तरह रीड कर सकते थे और वो युवराज को भेजकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि फिर गंभीर और युवराज एक साथ क्रीज पे होते और दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। धोनी का ये डिसीजन बैकफायर भी कर सकता था क्योंकि अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो आगे युवराज और सुरेश रैना दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स ने बैटिंग करने आना था और शायद तब तक रिक्वायर्ड रन रेट भी ज्यादा हो जाता। धोनी जैसे ही बैटिंग करने उतरे वो एक अलग फॉर्म में दिखे, उन्होंने गंभीर के साथ पार्टनरशिप लगाई और उसमें दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छा सपोर्ट किया। फिर जब गंभीर आउट हुए तो युवराज आए और धोनी उन्हें समझाने लगे कि हमने स्ट्राइक रोटेट करनी है और कोई भी लूज शॉट नहीं खेलना, पर बीच में युवराज से एक रन को लेकर गलती भी हुई जिससे धोनी गुस्से में नजर आए और ये बहुत ऑब्वियस था क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे मैच में रन आउट होके अपनी विकेट खुद गंवा देना बिल्कुल सही नहीं होता। पर उसके बाद दोनों ने कोई गलती नहीं की और बढ़िया बैटिंग करते नजर आए। एक टाइम के बाद सबको नजर आ रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है, सभी फैंस स्टेडियम में वंदे मातरम गाने लगे जिससे प्लेयर्स को और भी मोटिवेशन मिली और फिर धोनी का वो सिक्स आया जिससे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। सिक्स मारने के बाद धोनी को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि युवराज के पास आने से पहले धोनी पीछे को मुड़ के विकेट्स निकालने चले जाते हैं और धोनी उस वक्त बहुत इमोशनल थे। फिर युवराज उनको जोर से आके गले मिलते हैं और पूरी टीम उनके पीछे पड़ जाती है। इस जीत के बाद सबकी आंखों में आंसू दिखे और सचिन का भी सपना पूरा होता नजर आया जहां उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप उठाया और पूरी कंट्री में इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।